खे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाम अगर मैं इस शब्द का मतलब करूं तो कंजर्व का मतलब जो चीज चेंज ना हो तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है चेंज नहीं होता है तो लिखिए वे नो एक्सटर्नल फोर्स वेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम वेन नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स अभी इंट्रैक्टिंग पार्टिकल बारे में भी बात कर रहे हैं इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट पहले तो ये हो क्या रहा है कंजरवेशन ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो पहले तो हम आपको एक्सटर्नल फोर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं क्या लफड़ा है दो बॉडीज़ हैं मान लिया आप लंच टाइम हुआ स्कूल में आप बड़ी तेज दौड़ रहे हैं और सामने से कोई ध्यान नहीं दिया दो लोग लड़ गए ठीक है तो आपस में फोर्स एक्सचेंज हुआ इस फोर्स को क्या कहते हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं ये क्या हैं इंटरनल हैं उनका नेट नेट योग कितना होगा जीरो अभी हम देखिए थे एफ ए बी प्लस एफ बी ए बराबर जीरो भाई लड़े सॉरी ऐसा बोल दिया काम खत्म नहीं भी बोलते हैं सॉरी जो ज़्यादा हेल्दी होगा वो गलती चाहे उसी के सामने वाले को थड़बड़ा देगा वो एक अलग चीज़ है ठीक है लेकिन जिस समय वो दौड़ रहे हों वो लड़े उससे पहले हमने बीच में लत्ती लगा दी ऐसे पर खड़बड़ा गिर गए ये कौन सा फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है मान लिए दो बॉडीज़ हैं या एक दो बॉल हैं इस मेज पर वो आपस में ऐसे मूव कर रही हैं और जाके टक्कर हो रही है और टक्कर हो हम बीच में मेज को हिला दें ये एक्सटर्नल फोर्स है ठीक है आगे बोला गया इंट्रैक्टिंग पार्टिकल दो पार्टिकल रखे हुए हैं वो लड़ ही नहीं रहे हैं जब इंट्रैक्शन होगा जब टक्कर होगी तब फोर्स अप्लाई होगा ना क्या तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाएगा तो वहाँ फिर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ फिर विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ठीक है तो लिखिए कंजर्वेशन ऑफ लीन मोमेंटम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे हम यहाँ पर एन पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं उनके अपने अपने मासेस होंगे अपनी अपनी वालास्टी होगी और उनका पूरा एक मोमेंटम होगा फिर पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल लेंगे ठीक है फिर हम कहेंगे देखिए इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाएगा अपने आप टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा कंजर्व तो लिखिए लेट लेट एन पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं एन एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस मासम वन कॉमा एम टू कॉमा एम थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन अब एन लिखा है तो एम एन भी लिख दो आर मूविंग आर मूविंग विद द बलास्टीज आर मूविंग विद द बलास्टिस यू वन कॉमा यू टू अप टू यू एन देन देखिए अब ये सिस्टम है ना पूरा तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पूरे सिस्टम का हम निकालेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अप टू सोआन प्लस एम एन यू एन और इसको हमने क्या मान लिया P नोट करिए इफ एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स इफ एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स एफ पी बोला क्या हमने

एफ इजिकल टू क्या होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी ये होता है ना अब देखिए अगर एफ जीरो मान लिया जाए इस जीरो आपका सेकंड ला तो ये हो, हो गया लेकिन हमको कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो अगर एफ को जीरो करेंगे यानी कि आप कह सकते हो कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जीरो है यही कहोगे ना तो यानी कि आप कहोगे डेल्टा पी जीरो है डेल्टा पी मतलब चेंज इन पी और चेंज इन पी जीरो मतलब क्या बताता है चेंज इन पी जीरो ये बताता है कि पी इज कॉन्स्टेंट यानी कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अप टू एम एन यू एन का सम हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा समझ में बात आई कि नहीं आई है तो ये आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात से किया गया इसके बाद थर्ड लॉ से प्रूफ किया जाएगा ठीक है नोट करिए देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले न्यूटन सेकेंड लॉ से प्रूफ किया गया था तो न्यूटन सेकेंड लॉ से कहा जाएगा तो प्रूफ करेंगे अगर आपके पास आया कि स्टेट एंड प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ लीनर मोमेंटम तो आपको इसी रूल से प्रूव करना पड़ेगा वो आपसे कहें या ना कहें और 90 परसेंट तो नहीं कहेंगे कि आप किस नियम से प्रूव करिए आपको इसी से प्रूव करना पड़ेगा जस्ट डायग्राम समझिएगा पहले डायग्राम बनाते हैं उसे बना लीजिएगा वो डायग्राम बाद में रब करेंगे हमने कहा सपोज़ करिए कि दो बॉडीज़ हैं तो थोड़ी कहानी लिखिए लेट ए एंड बी आर टू बॉडीज़ लेट ए एंड बी आर टू बॉडीज़ ए एंड बी आर टू बॉडीज आप मासिस एम वन एंड एम टू आप मासिस एम वन एंड एम टू मूविंग विद वालास्टिस यू वन एंड यू टू मूविंग विद वालास्टिस यू वन एंड यू टू देखो ये कहानी है बिफोर कोलिजन की कौन सी है बिफोर कोलिजन की अब क्या हुआ ये दोनों कोलाइड हो गई टकरा गई ठीक है ये अब ये ने कहा बड़ी बॉडी छोटी कैसे बन गई वो ये ए और बी बॉडी है और ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया ड्यूरिंग कोलिजन ये कोलाइड हो गई टकरा गई अब टकराने पे दो केसेस पॉसिबल हैं भाई जैसे दो गीली मिट्टी ले लो और ऐसे टकरा दो तो फच तो चिपक जाएंगी आपस में लेकिन ये चिपक नहीं रही है दूर हट जाती हैं तो यदि बॉडी कैसी है इलास्टिक बॉडी है तो ये कोलिजन कैसा हो रहा है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इलास्टिसिटी आपने पढ़ी नहीं है लेकिन ये वर्ड से आप नोन है ठीक है अच्छा इसके बाद क्या हो गया आफ्टर कोलिजन क्या हुआ ये दोनों अलग अलग हो गई ये ए बॉडी है ये बी बॉडी है ये वी वन से इधर चलने लगी ये वी टू वालास्टी चलने लगी ये है आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन समझ में आ गई बात आप जरा समझिएगा जब कोलिजन हुआ था उसमें क्या हुआ होगा देखिए जब एक कोलिजन हुआ है उसमें क्या हुआ होगा एक्शन बी ने ए पे फोर्स लगाया होगा और ए ने बी पे फोर्स लगाया तो ए पर जो फोर्स लगा बी की वजह से वो इधर होगा एफ ए बी और जो बी पे फोर्स लगा वो क्या होगा एफ बी ए ये कहानी समझ में आ गई तो लिखिए क्या लिखा लेट ए एंड बी आर टू बॉडीज ऑफ मासेस एम ऑन एंड एम टू एंड दे कोलाइड इच अदर एंड आफ्टर कोलीजन दर विलास्टीज बिकम्स वी वन एंड वी टू दियर विलास्टीज बिकम्स वी वन एंड वी टू अच्छा जब कोलाइड हुई होंगी तो देखो रटने की बात नहीं समझने की कोशिश करिएगा जब कोलाइड हुई होंगी तो थोड़ी देर तक तो कॉन्टैक्ट में रही होंगी तो लिखिए लेट दे कोलाइड फॉर द टाइम डेल्टा टी कोलाइट या द टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन इज डेल्टा टी समझ में बात आई अब देखिए कोलिजन के बाद होता क्या है पहले बॉडी ए के बारे में बात करते हैं फॉर बॉडी ए बॉडी ए में देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वन इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई V1 है ना और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या हो गया एफ बी एफ ए बी ये फोर्स हो गया अब चूंकि आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ़ मोशन लगाना है इसलिए आप वैसे तो एफ़ ए बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है हम ये नहीं कहेंगे कहेंगे वही लेकिन ये कहेंगे नहीं अरे कह दो कोई दिक्कत नहीं है तो एफ ए बी का मतलब क्या होता है न्यूटन थर्ड स्थडला बाद में लगेगा अभी तो रूल चल रहा है जब फोर्स लगा होगा ए पर तो ए की वेलोसिटी चेंज हुई है यानी क्या चेंज हुआ है लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है तो फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ना किसका मोमेंटम लेंगे चेंज जिस पर फोर्स लग रहा है ठीक है यानी कि इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी ए अपान डेल्टा टी कह सकते हैं अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी ए बोले तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन ये बात समझ में आ गई ठीक है अगर ध्यान से देखें तो अगर ये ना भी लिखते हम डायरेक्ट ये लिखते ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है एफ ए बी इंटू डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करती है देखो तो अगर वेक्टर चढ़ाना है तो वेक्टर भी चढ़ा दो सब में और ना चढ़ाना हो तो ना चढ़ाओ ये एफ ए बी इंटू डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करती है नहीं याद है इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज नोन एज इसे लिए मोमेंटम कहते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स बताया था एक तरीके से इंपल्स है और इंपल्स किसके कुल होता है चेंज इन मोमेंटम के तो वही हम लिख रहे हैं ठीक है ये किसके लिए हमने बात की है फॉर बॉडी ए बॉडी बी के लिए सिमिलरली कर दें सिमिलरली फॉर बॉडी बी सिमिलरली फॉर बॉडी बी तो बी के लिए डायरेक्ट यहां से रिजल्ट लिख देंगे हम क्योंकि ये पूरी कहानी हम एक के लिए लिख चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ बी ए इन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बात समझ में आ गई अब चूंकि आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाना है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एफ ए बी और एफ बी ए दोनों कैसे हैं इक्वल एंड अपोजिट तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एस ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए देखिए हम चाहें तो एस ए बी को यह लिख सकते हैं डेल्टा पी ए पर डेल्टा टी या हम चाहें तो दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एस ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी दोनों बातें हैं आप इसको डेल्टा पी ए पॉन्ट डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको डेल्टा पी बी ए पॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं तभी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और ये भी लिख सकते हैं आप ठीक है अच्छा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया अब इसकी वैल्यू क्या है ये है इसकी वैल्यू क्या है यह लिखा हुआ है यानी इसमें इक्वेशन क्वेश्चन वन टू को यूज़ कर दें तो यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू दोनों को यूज करते हैं यहां तक नोट कर लिया नोट करिए तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जगह क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे एम वन वी वन एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन वैक्टर चढ़ा रहे हैं इक्वल टू और उसकी जगह लिखेंगे माइनस एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू ब्रैकेट खोल दो आएगा एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन माइनस एम टू वी टू और प्लस एम टू यू टू अब इनिशियल वेलोसिटी वाले एक तरफ कर दो तो इनिशियल वाला एक तो ये है देखिए नेगेटिव है ना तो इसको उधर शिफ्ट कर दो और ये नेगेटिव इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इसको पहचानते हैं आप इट इज ए इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड तो यानी इनिशियल मोमेंटम है ये क्या है इनिशियल लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम और ये क्या है फाइनल लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या प्रूफ करना था आपको यही तो प्रूफ करना था कि वेन द टू बॉडीज़ कोलाइट देन देर मोमेंटम रिमेंस कंजर्वड यही कहा था ना देखो तो मोमेंटम दोनों ही केसेस में कंजर्व रहता है अभी हमने कहा गीली मिट्टी आप लीजिए और गीली मिट्टी को ऐसे फर्श में फेंक दीजिए तो एक तो फर्श हो गई उसका मास अपना है उसकी वालास्टी जीरो है और मिट्टी गिरी और मिट्टी जाके चिपक गई ठीक है चिपकने के बाद उसकी वालासटी जीरो हो गई ठीक है तो उस प्रकार का कोलिजन क्या होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है तो नॉन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन मतलब बॉडी चिपक जाए या दूर हट जाए दोनों ही केसेस में ये ये कंजर्वेशन जो है अप्लाई होता है ठीक है नोट करिए इसको देखिए टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन करेंट फोर्सेज पहले फोर्सेज बारे में आप जानते हैं क्या होता है फोर्स क्या होता है कॉन करेंट का मतलब क्या होता है ये कॉन करेंट वर्ड आपने कॉन करेंट नहीं है कनकरेंट पढ़ा जाता है लेकिन वो सब ठीक है ये वर्ड कभी सुना है आपने कॉनकरेंट कहाँ पे सुना है कहाँ पे सुना है जैसे होता नहीं कुछ वर्ड सुना है कहाँ पिक्चरों में है होता है ये धार्मिक वर्ड है ये फलान जगह होता है तो कनकरेंट क्या होता है नहीं याद है आपको याद होगा कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती थी कहीं पर हम कहते थे दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हों तो इन लाइंस को क्या कहते थे कॉनकरेंट लाइंस मालूम है तो ये कॉनकरेंट वर्ड यहां से आया तो ये तो मालूम हो गया कि किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेज एक्ट करेंगे तो वो कॉन्करेंट होगा ठीक तो ये तो पकड़ में आ गया अब मान लिया ये आप हैं ये आप हैं ऐसे हैं ये आपके दो कान हैं और हमने क्या किया ये कान इधर खींचा तीन न्यूटन के फोर्स से और ये कान इधर खींचा तीन न्यूटन की फोर्स से आपके चेहरे पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है जीरो एक्ट कर रहा है ना यानी आपका जो फेस होगा वो तो तो आपको दर्द तो होगा नहीं आपके यहाँ वेरी गुड और खींचो इधर चार लगा दो इधर चार लगा दूँ वो मस्कुलर पेन होगा लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम मतलब एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हों और उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो हम कहेंगे द तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कॉन्करेंट फोर्सेज क्या होते हैं तो लिखिए फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन ए बॉडी फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन ए बॉडी आर कार्ड कॉन्करेंट फोर्सेस आर कार्ड कॉन्करेंट फोर्सेस तो पहली बात तो कॉन्करेंट सोन में आ गया क्या होता है ठीक है दूसरी बात फेरोग्राफ़ चेंज करके लिखेंगे कि मान लिया बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे और बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स कितना है मतलब बॉडी स्टेशनरी में मान लिया है और हम बहुत सारे फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं और वो स्टेशनरी में ही है तो क्या लग रहा है कि फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं हम या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है और आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं बॉडी तभी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है मतलब क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो हम क्या कहेंगे बॉडी इज इन क्म पोजीशन तो लिखिएगा व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एक्ट ऑन ए बॉडी एट द सेम पॉइंट एट द सेम पॉइंट and the net force is 0 net force bulleto resultant force and the net force is 0. Then the body will the body will continue the body will continue in its state of rest in its state of rest or of uniform motion. body will continue in its state of rest or of uniform motion along a straight line along a straight line एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इसलिए हमने कहा कि अगर बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में मूव कराओगे ना तो आप कहोगे वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है और मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है और हम कह रहे हैं नेट फोर्स कितना है तो हमें कहना पड़ेगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है क्या लिखा स्टेट ऑफ मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम यानी उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे ठीक है अब देखिए इसको दिखाया जाए तो वैसे तो अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगे होंगे और उसका रिजल्टेंट आपको निकालना होगा और अगर रिजल्टेंट जीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम फोर्सेज लगने के बाद भी आपने देखा होगा पिक्चरों में किसी हीरो को पकड़ने के लिए डकैत वगैरह जाते हैं जब तो डकैत घोड़े से जाते हैं हीरो ऐसे खड़ा होता है तो डकैत दूर से उसमें ऐसे रस्सी फेंकते हैं उसको दूर से और रस्सी उसके गले में पड़ जाती है तो घोड़े हर डायरेक्शन में चलते हैं और हीरो <coughs> वहीं पर खड़ा रहता है देखा नहीं देखा किसी पिक्चर में होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि सो मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द हीरो बट रिजल्टेंट फोर्सेज तो ऐसा मतलब पिक्चरों में होता है बड़े बहादुर होते हैं हीरो <laughs> उन्हें जब बॉर्डर पे जब युद्ध युद्ध होता है तो भेज देना चाहिए जाओ तुम लड़के आओ तो देखिए हम फिलहाल दो फोर्सेज यहाँ दिखाने जा रहे हैं देखिए हमने कहा सपोज करिएगा ध्यान समझिएगा एक बॉडी है ओ है ना उस पर एक फोर्स एफ वन लग रहा है और एक इधर की ओर फोर्स एफ टू लग रहा है हम वैक्टोरियली इसको बता रहे हैं तो ये बता दीजिए देख करके केवल अगर किसी बॉडी पे ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है हो सकता है कैसे हो सकता है यानी आप बॉडी पे 60 70 डिग्री पे एंगल लगाओगे बॉडी स्टेशनरी रहेगी रिजल्टेंट फोर्स इधर कहीं जाएगा नहीं जाएगा भाई प्रैक्टिकली ये तो बहुत सारे फोर्सेज हों चलेगा तो इधर कहीं रिजल्टेंट होगा एफ ठीक है अगर इसको हम रोकना चाहते हैं बॉडी को चाहते हैं स्टेशनरी रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा किसके अपोजिट में पार्टिकल के अपोजिट में जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके अपोजिट में आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ थ्री नहीं लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकली तो यही होगा ना तो आप कहेंगे जो रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एफ टू है ना रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू दैट इज़ एफ एफ हमने माना है तो एफ़ क्या होगा एफ वन प्लस एफ टू होगा अब आप कहेंगे तो रिजल्टेंट का तो फार्मूला अंडरवुड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस्टिटा होता है वही मैं लिख रहा हूँ मैंने वेक्टर मेथड से लिखा है ठीक है अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना तो एफ़ स्क्वायर इज इक्वल टू वैक्टर में पढ़ाया जाएगा आपको पढ़ाया गया होगा तो वहाँ आएगा ये अच्छा अब आपको देखिए इफ़ ओ इज़ इन equilibrium. ओ इज इन equilibrium. इक्वलीब्रियम अगर हम मान लें कि ओ इक्विब्रियम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमको एफ के बिल्कुल अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा यानी एफ थ्री लगाना एफ जो है ना वो किसके कुल होगा माइनस एफ थ्री के सही कह रहा हूँ ना तो एफ बोले तो एफ वन प्लस एफ टू बराबर माइनस एफ थ्री इसको इधर ले तो एफ़ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री बराबर जीरो तो तीनों एक्चुअली में इस बॉडी में कितने फोर्स लग रहे हैं तीन लग रहे हैं ना भाई एफ़ तो अपने आप आया है एफ़ वन लग रहा है एफ़ टू लग, लग रहा है और आपने लगाया है एफ थ्री तो इसका मतलब और रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है वैक्टरसम किस कितना आ रहा है तो वेक्टर सम आप फोर ज़ीरो मतलब क्या दिखा रहा है कि इस बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स ज़ीरो है इसका मतलब दिस बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम समझ में आई बात नोट करिए अब देखिए इस टॉपिक को बताने के लिए तो रिजल्टेंट हमने बता दिया दो फोर्स का ऐसे होगा वेक्टर से लेकिन भाई साहब हमेशा इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा वेक्टर मेथड से इम्पॉसिबल है कॉम्प्लिकेटेड कैसे हमने आपको फोर्स दे दिया टू इंटू टेन बाव माइनस सेवन तो उतनी तो लंबी लाइन कहाँ से खींचोगे आप ठीक है एंगल दे दिया फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी सेवन डिग्री तो दिक्कत होगी ना तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है तो उसके लिए कुछ फार्मूले बता देते हैं नोट लिखवा देते हैं नंबर वन अगर आपको रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस निकालना हो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस टू फोर्सेस मतलब हमने मान लिया कि दो फोर्स हैं एक फोर्स P है मैं वेक्टर नहीं चढ़ा रहा हूँ और एक फोर्स Q है और इनके बीच एंगल थीटा है तो सिंपल सी बात है इसका रिजल्टेंट कहीं इसके बीच से उकर जाएगा भाई तो अगर कोई आपका एक कान है और कान दो लोग ऐसे ऐसे खींच रहे हैं तो ना तो आप इधर जाओगे ना तो इधर आप इधर कहीं जाओगे ना तो ये कहे रिजल्टेंट होगा तो रिजल्टेंट का फार्मूला आपने पढ़ा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा आप वेक्टर पढ़ाया गया कॉलेज में yes. तो वेक्टर वहाँ पढ़ाया गया होगा आपको एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन याद नहीं है ठीक है अब मान लिया रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है अल्फा तो अल्फा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा भी बताया जाएगा आपको ठीक है अब देखिए ध्यान से आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन मालूम हो गया तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे तो इस आर के बराबर आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा और एंगल ये रखना पड़ेगा ये वन और प्लस अल्फा नहीं समझे ये मतलब न्यूमेरिकल बताने के लिए हमने क्वेश्चन दिया हमने कहा बॉडी पे दो फोर्स लगे हुए हैं और बताइए उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तो आप पहले क्या निकालेंगे दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे ठीक है फिर रिजल्टेंट का एंगल निकालेंगे कि किस डायरेक्शन में है फिर आप कहेंगे कि वी हैव टू अप्लाई दिस फोर्स दिस मच फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज वॉट वन एट्टी प्लस एल्फा ठीक है Osionfish. ये तो दो फोर्सेस के लिए हो गया अब देखिए अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं जैसे हीरो पे बहुत सारे डकैत रस्सी बांध करके खींच रहे थे तब क्या करेंगे देखो ध्यान से हमने कहा यह है पार्टिकल एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, है। बहुत सारे ज़्यादा हो जाएंगे इतने ठीक है पहला फोर्स हमने मान लिया पी वन है दूसरा फोर्स हमने मान लिया पी टू है तीसरा पी थ्री है चौथा पी फोर है इसको हमने हॉरिजेंटल माना है ठीक है और फोर्सेस की जो डायरेक्शन लेंगे ना वो हॉरिजेंटल से लेंगे तो हमने ये माना अल्फा वन ये माना अल्फा टू ये माना अल्फा थ्री ये दिया होगा आपको एग्जाम में कि ये एंगल्स हैं ठीक है

नहीं पी फोर तब तो थोड़ी जाएगी किसी तरफ नहीं जाएगी जो रिजल्टेंट होगा चारों का जो नहीं नीचे कहाँ चली जाएगी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अगर किसी बॉडी को ऐसे खींच रहे हो तो बॉडी ऐसे जाएगी है पॉसिबल दिख रहा है नहीं दिख रहा ना प्रैक्टिकली तो समझिए ना उसमें तो यानी कि रिजल्टेंट कहीं ऐसा होगा नीचे वाले में जाएगी नहीं ना ऐसा नहीं इधर भी जा सकता है रिजल्टेंट यहां भी जा सकता है वो तो डिपेंड करता है कि किसकी है। भाई मान लिया एक मरगिला आदमी प्योन फोर्स लगा रहा है मार दूंगा मार दूंगा ये जबरदस्त डब्ल्यू का है तो बॉडी इधर चली जाएगी ठीक है तो ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है तो हम निकालें कैसे तो देखो तो तरीका क्या होता है पहले हम क्या करेंगे जितने भी फोर्सेस हैं उनका हॉरिजेंटल कॉम्पोनेट निकालेंगे ठीक है तो पहले हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ आर निकालते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ आर यानी आर कॉस थीटा यह हॉरिजेंटल कंपोनेंट है तो जितने भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होंगे देखो पी वन हॉरिजेंटल से कितना किल बना रहा है तो जीरो तो पी वन कॉस जीरो पी वन कॉस जीरो प्लस पी टू कॉस ये कितना बना रहा है अल्फा वन तो टू कॉज एल्फा वन प्लस पी थ्री कॉज एल्फा टू प्लस पी फोर कॉज एल्फा थ्री निकाल लिया तो ये जब कल आगे जो भी हो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी ना कुछ भी आएगा उसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया क्वेश्चन नंबर वन फिर वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालो वर्टिकल कंपोनेंट कंपो नेंट ऑफ आर दैट इज आर साइन थीटा तो जितने भी कॉम्पोनेंट है सबका वर्टिकल कर दो पी वन साइन जीरो अब आप कहेंगे भाई कॉजीरो वन होता है वो होता है जो भी वैल्यू आती है तो जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर के पी वन साइन जीरो प्लस पी टू साइन एल्फा वन प्लस पी थ्री साइन एल्फा टू प्लस पी फोर साइन एल्फा थ्री इसको कैलकुलेट करोगे मान लिया ये वैल्यू क्या आई है वाई अब आप कहेंगे आपने एक्स वाई क्यों माना वो चूंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है इसलिए वो नाम ऐसा दिया ना भाई जैसे कुत्ते के नाम देना है तो जॉकी जॉनी ऐसा रखते हैं ना के पी रख दोगे उठा करके तो ऐसे मतलब एक्स वाई माना गया इसीलिए अब आर कैसे निकालें साफ साफ दिख रहा है अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आर निकल आएगा ना तो आर निकालने के लिए क्या करोगे ये डायग्राम रब करते हैं तो आर निकालने के लिए आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो यहां ऊपर लिख रहे हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू तो इधर क्या आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से आर स्क्वायर काम ले लोगे अंदर क्या बचेगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू तो ब्रैकेट उसका वन हो जाएगा ना तो आर स्क्वायर इज बचेगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर अंडर उड एक्स स्क्वायर प्लस तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल आया अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है थीटा भाई रिजल्टेंट हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा था ना तो आप क्या करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू हमने इक्वेशन वन एंड टू बोला है इक्वेशन वन बाई टू नहीं बोला है हम टेन लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि डायरेक्शन ज्यादातर किससे लिखाई जाती है टेन से तो हम क्या करेंगे आर साइन थीटा ऊपर लिखेंगे अपान आर कॉस थीटा नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू वाई अपान एक्स आर आर कट गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपानिक्स तो थीटा यहाँ से निकल आएगा टेन इनवर्स वाई x तो ये रिजल्टन निकालने का तरीका होता है अब क्वेश्चन चेंज हुआ हमने कहा कि भाई ये जो p1 p2 p3 p4 हैं ये बहुत सारे फोर्सेस हैं एक हॉरिजेंटल है 1 पूरा हमने बता दिया और बताइए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी कि नहीं होगी अब अगर कैसे मालूम होगी हमने आर कॉ निकाला आर साइन निकाला अगर आर कॉज और आर साइन दोनों की वैल्यू जीरो आएगी yes. तो होगी नहीं तो नहीं होगी माने नहीं है वैल्यू आ गई कुछ पाँच छः सात न्यूटन हमने कहा अच्छा ये बताओ इसे इक्विलिब्रियम में अगर नहीं है तो इसको कैसे किया जाएगा तो जो आपने रिजल्टन निकाला है ना ये हॉरिजेंटल से ये आर निकाला है ना आपने थीटा एंगल पे तो आप कहेंगे इसी आर के बराबर हमको एक फोर्स आर डैस लगाना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा वन एट्टी प्लस थीटा समझ में बात नहीं आई मतलब क्वेश्चन दो तरीके एक हो गए हमने फोर्स लगाए हमने कहा बताइए बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है तो आपने रिजल्टेंट निकाला रिजल्टेंट जीरो नहीं आया तो आप कहेंगे बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम मतलब एक रिजल्टेंट है जिधर रिजल्टेंट है बॉडी उधर ही ओर जा रही है ठीक है तो हमने कहा अगर उसको इक्विलिब्रियम में करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा तो आप कहेंगे आर के बराबर एक फोर्स आर डेस्ट लगाना पड़ेगा और एंगल 180 एट्टी प्लस थीटा होगा पिक्चरों में देखा होगा आपने किसी को नीचे बैठा है कि कोई बहुत लोग मार रहे हैं उसको ऐसे लाठी ऐसे मारते हैं ऐसे अब नीचे वाला क्या समझता है कि अब हम मरे और उससे वो लाठी पड़ती नहीं ऐसे देखता देखता हीरो नीचे से हाथ लगाए ऐसे तो हीरो को मालूम था मैथमेटिक्स कि लाठी ऊपर से आएंगी अलग अलग डायरेक्शन में तो सभी लाठी का अपना अपना फोर्स होगा कि एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा उसी के बराबर वो क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है और रिजल्टेंट क्या हो जाता है जीरो देखा ना पिक्चर ना हम भी नहीं देखते हैं तो देखते हैं तो साइंस देखते हैं कहाँ पर हमारा विज्ञान लग रही है समझ में आ गई बात तो ये हो गया कॉन्सेप्ट देखिए लामी साहब ने एक थ्योरम दी थी ये स्टेट बोर्ड जो हमारा है उसमें पहले हुआ करती थी ठीक है और हमारी सबसे प्री थ्योरम थी मतलब तो बच्चों को मालूम था कि स्टेट एंड प्रूव लामी थ्योरम आएगा ही आएगा मतलब तो वो हमारी बिल्कुल प्री थी मैथमेटिक्स में थी अब तो हट गई है लामी साहब ने कहा कि अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दे आर एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो अब सिंपल सी बात है अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी तो फोर्सेस कुछ ऐसे एक्ट करेंगे तभी हो सकता है सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं अगर तीन फोर्स आपको लगाने हैं और आप केवल ये दो लगा दो और इधर ही तीसरा लगा दो बॉडी रुक नहीं सकती उधर भाग जाएगी <coughs> तो ये इसके इसके बीच एंगल अल्फा इसके इसके बीच एंगल बीटा और इसके इसके बीच एंगल गामा तो उन्होंने कहा इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज इक्विबियम देन ईच फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू मतलब पी प्रपोर्शनेट साइन अल्फा क्यू प्रोपोशनेट साइन बीटा आर प्रोपोशनेट साइन गामा तो एक स्टेटमेंट लिखिए लामिश थोरम का इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज इन एंड बॉडी इज इन इक्विब्रियम एंड बॉडी इज इन इक्विब्रियम देन ईज फोर्स देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस और डायरेक्टली लिखा जाएगा पी अपान क्यू अपान आर अपान देखिए प्रोपोर्शनल हम नहीं लगा रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं जब पी अपान लिखेंगे तो क्यू और आर के बीच जो एंगल है उसका साइन लिखेंगे साइन अल्फा क्यू अपान लिखेंगे तो साइन बीटा आर लिखेंगे तो साइन गामा ये तीनों आपस में कैसे होते हैं सेम होते हैं इसके प्रूफ से आपको मतलब फिलहाल नहीं है लेकिन स्टेटमेंट याद रखिएगा न्यूमेरिकल में कभी कभी ये क्वेश्चन यूज़ फार्मूला होता है ठीक